अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं के लिए होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका तिजारा के लिए भी मतदान 11 दिसंबर को होना है। उसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बोर्ड बनाने में अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय पार्षदों ने भी ताल ठोक रखी है। तिजारा में नगर पालिका के पिछले चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी और बोर्ड बनाया। यहां से उर्मिला सैनी चेयरमैन बनी। तिजारा नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों में अभी तक दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है, जबकि नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। तिजारा नगर पालिका बोर्ड में फिलहाल भाजपा का कब्जा है। देखना होगा तिजारा के 25 वार्डों में आखिर कौन पार्षद बन पाता है और किसका बोर्ड बनेगा, यह तो 11 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। वहीं तिजारा विधायक संदीप यादव का दावा है कि तिजारा नगर पालिका में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते इसका फायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। इस दिन बैठक हुई थी, उसमें तय किया था कि सभी वार्डों से बायोडाटा कलेक्ट करेंगे और जो हमने बायोडाटा कलेक्ट करने के लिए जो समिति बनाई थी वो लगातार सर्वे भी कर रही है और बायोडाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। कल हमारी संगठन की मीटिंग है, जिले से हमारे प्रभारी आएंगे और बैठ के सारी विषयों पर चर्चा होगी। जिन जिन सभी प्रभारी सब लोग साथ में बैठेंगे, जितने बायोडाटा हैं हर वार्डों की चर्चा की जाएगी। उसके बाद एक सर्वे दोबारा होगा जिसमें सब जगह हम वार्ड वाइज ड्यूटी लगाएंगे। हमारे पदाधिकारी जाएंगे और वहाँ से वार्डों को सर्वे करके जो भी निचोड़ आएगा उसके हिसाब से टिकटें बांटी जाएगी। कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है, सरकार के साथ में मिलकर तिजारा का विकास कराएंगे, यही हमारा। वही सभापति उर्मिला सैनी के पति रामेश्वर सैनी का भी दावा है कि विकास के नाम पर जनता उन्हें फिर मौका देगी। पिछले भाजपा के बोर्ड में क्षेत्र में काफी विकास कार्य किए गए, इस बार भी भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। पार्टी का बोर्ड तिजारा नगर पालिका में चेयरमैन है, मास्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था, जिन्होंने जो उर्मिला रामेश्वर सैनी जो मेरी धर्मपत्नी है वो चेयरमैन है वर्तमान में। मैं दावा करता हूँ कि अब भी वर्तमान में अब जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि हमने इस 5 वर्ष के अंदर इस तिजारा को विकास के नाम पर हमने काम किया है और विकास को देखते हुए हमारे तिजारा की जनता एक ही काम पर वोट देगी, क्योंकि हमने नगर पालिका तिजारा में एक विकास की गंगा बहाई है और विकास हर क्षेत्र में किया है। इसी वजह से हमारा पुनः भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। कुल मिलाकर निकायों के चुनाव में हार जीत से स्थानीय विधायकों जन प्रतिनिधियों सहित पार्टी की साख पर भी असर पड़ता है, इसलिए इसे जीतने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता।